मैं स्टार्ट करता हूँ। वहां पे जहां पे क्लास क्लास को छोड़े थे वो एक चीज उसमें उस दिन रन नहीं कर रही थी, मतलब वो ब्राउजर पे सही से डिस्प्ले नहीं हो रही थी। शायद किसी ने वो किया है, एक दो लोगों ने भेजा था, मुझे लग रहा था हो गया था उन लोगों का। और वो चीज थी वो चीज थी बोरिंग जो हम लोग कर रहे थे, LIA4 फिर उसके बाद यहाँ पे था नॉट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर था डॉट एक्टिव, जो एक्टिव क्लास, ये वीडियोस में लास्ट वीडियोस एक बार देख लीजिएगा उसके अंदर होगा, या कहीं नोट किया होगा कॉपी में उसके अंदर होगा। और इसके अंदर फिर था बैकग्राउंड कलर देना था और कलर, दो चीज थी। अब ये हम क्लास यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो पूरा प्रोग्राम तो वहां पे है, बट आप लोग सब लोग ये कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उस दिन क्यों नहीं काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम सिन एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे थे, यहाँ कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। नॉट एक्टिव के बाद जो पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे डॉट एक्टिव, समझ रहे हैं। आवाज आ रही ना मेरी? ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसके अंदर था बैकग्राउंड था और कलर था, दो चीज दिया था। लास्ट वीडियो में देखिएगा या अगर नोट किया होगा वहां पे देखिएगा। कलर ये था, ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि उस दिन हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे थे। शायद किसी ने जो जिन लोगों ने मुझे भेजा था उसमें से मुझे लग रहा था किसी ने कर लिया, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किसने भेजा था और किसका हो गया है। तो अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ये चीज यहाँ पे जो स्पेस था उसको खत्म कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेस नहीं होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट था जो वो भी वीडियोस के अंदर याद होगा, वो प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम लोग पूरा मेन्यू लेफ्ट साइड पे ऊपर से नीचे टॉप से लेके बॉटम तक था, जिसमें बॉडी की मार्जिन हम लोगों ने जीरो दी हुई थी। टॉप से बॉटम तक मेन्यू था और राइट साइड पे कॉन्टेक्स्ट था जो हमारा फ्लो हो रहा था। उसमें टेक्स्ट में हम डिव के साथ यूज कर रहे थे और पैडिंग दे रहे थे, स्टाइल दे रहे थे। लेफ्ट साइड का 25% हम लोग पैडिंग दे रहे थे ताकि वो किनारे इस तरफ मेन्यू आए और दाईं तरफ हमारा टेक्स्ट आए। उसमें एक काम ये कीजिएगा कि हेडिंग जो है, डिव जो है आप यूज कर रहे थे, वो हेडिंग एकदम ऊपर से यूज कीजिएगा तो आपका एकदम टॉप से आएगा। यानी जो बॉडी के अंदर जो आप H2 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर वेलकम टू शिबली नेशनल कॉलेज लिख रहे थे, फिर UL कर रहे थे, उसको आप हेडिंग को चाहिएगा तो वो नीचे कर दीजिएगा। मैं वो पूरा फिर से टाइप करके नहीं होगा तो बतला दूंगा। अब आ जाइए नेक्स्ट जो एक छोटा प्रोग्राम है, मैं आता हूँ सबलाइन।
सेव एज, और ये था जो फाइल एग्जाम्पल मेन्यू 8 करके। July 3 इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे UL, लिस्ट स्टाइल स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, के बाद ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट होगा LI, ये डिस्प्ले इन लाइन होगा LI, इसके अंदर हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट डिस्प्ले, डिस्प्ले की वैल्यू इन लाइन, स्टाइल क्लोज, बस यहीं पे स्टाइल और क्लोज हो जाएगा। इतनी चीजें अभी यहाँ पे दे रहे हैं, स्टार्ट कर स्टाइल क्लोज, छोटा सा एक प्रोग्राम UL के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0 और पैडिंग जो है 0, और LI का क्या है डिस्प्ले इन लाइन, उसके बाद ये क्लोज करिएगा, स्टाइल क्लोज करिएगा, बॉडी के अंदर आ जाइए AHREF, इसके ऊपर बल्कि यू दे दिएगा, UL में अंदर हमें लिखना है, वहां पे हमें एंकर को यूज करना है, तो हम एंकर को ये छोड़िए हम टाइप कर लेते हैं, इतने देर में कॉपी पेस्ट करेंगे LI के ओपन के अंदर क्लोज करने से पहले हम यूज करेंगे एंकर का AHREF, और यहाँ पे हमने दे दिया हैश फॉर्म, उसके बाद LI क्लोज, यहाँ पे हमने दिया होम, फिर एंकर को क्लोज कर लिया। ये हुआ एंकर का पोर्शन और ये हुआ LI, ठीक है, और ये कंटेंट हमारा होम, ये लिंक बन के आएगा। ऐसे ही आप 4-5 हेडिंग दे दिए पीछे, जैसे दे रहे थे 2-3-5। अगली हो गई हमारी क्या चल रही थी, अबाउट अस, अबाउट ही दे देते हैं, नेक्स्ट था हमारा हिस्ट्री, के बाद हमारा था गैलरी, उसके बाद ये था कॉन्टैक्टर्स, ऐसे कॉन्टैक्ट दे दे, ऐसे ही हेडिंग देते आ रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे UL को क्लोज कर दिया, ये हटा दीजिए सब, बस इतनी चीज बॉडी में रहेगी यहाँ तक।
बस इतना सा बॉडी के अंदर सिर्फ इतनी चीजें रहेंगी। फाइल को सेव करिए। कहाँ पे हमारी फाइल जा रही थी? July 21 के अंदर। मेनू ये हमारा इन लाइन में यानी ऐसे लाइन में आ रहा है। ठीक है, पहले क्या था कि ऐसे वर्टिकली आता था, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक वो आता था, अब ये हमारा इन लाइन आ रहा है। होम, अबाउट अस, हिस्ट्री, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, अब इसी को सेव एस कीजिए और इसको दे दीजिए वो 7 था, ये 8 है। हम इसको जो है यहाँ पे सेवन, क्योंकि मैंने वहां नंबर दिया था तो वो उसी हिसाब से चलेगा। प्रोग्राम नंबर सेव एज करके कर लिया 8। अब इसके अंदर क्या कीजिएगा? UL लिस्ट टाइप नन वैसी रहेगी, मार्जिन 0, पैडिंग 0 सेम रहेगी। ओवरफ्लो को आप यहाँ पे कर देंगे डिजाइन, एक और एट्रीब्यूट ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो का मतलब कि इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो हमने हिडन कर दिया है। उसकी वैल्यू 2-3 होती बट हिडन, छुपा होगा। और फिर नीचे यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, हालांकि ये ऑप्शनल है बट अभी हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में कुछ दे देते हैं, दे देते हैं कोई भी कलर ये दे दीजिएगा। क्लोज हो गया। एल आई में आप यहाँ पे अब दीजिएगा क्या है, फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट एक एट्रीब्यूट है, लेफ्ट। नेक्स्ट एल आई ए, दोनों के लिए वो क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक होगा। तो डिस्प्ले आप यूज कर चुके हैं ब्लॉक। उसके बाद आपका इसमें 2-3 चीज और दे दीजिएगा, डिस्प्ले ब्लॉक और पैडिंग भी दे दीजिए। पैडिंग इसकी भी पैडिंग होगी और पैडिंग दे दीजिए कुछ भी, 8px दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर यही दे दीजिए, कलर स्टाइल क्लोज। और नीचे आप जो कंटेंट है वही सेम कंटेंट यही रहने दीजिएगा, सेव करिए। ठीक
ये आया अगला स्टेप, ये आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड हो गया और वो जो पीछे वाली फाइल थी वो थोड़ा सा अलग हो गया, जो कि आप ये जो देख रहे थे ये। अब इसमें क्या चीज हो गई, पैडिंग हो गई, यानी इसके बीच का गैप आ गया, ठीक है। और इसमें क्या चीज हो गई, ये डिस्प्ले का ब्लॉक बन के आ गया, जी यहाँ पे हम लोग ब्लॉक दे रहे थे, ये एल आई और ए, डिस्प्ले एक ब्लॉक हो गया, पैडिंग बीच में आ रही, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ चेंज कर देते हैं उसी तरह का है। ठीक है, पर्पल, बाकी का नहीं क्योंकि हमने उतने ही कर दिया है। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर ये पूरे का आ रहा था, यूएल का, अगर हम इसको देखिए सिर्फ इतने का है वो, चूंकि पूरे पूरे यूएल का था अन ऑर्डर लिस्ट, तो बाकी आगे तक जा रहा था, अभी हमने ऑफ कर दिया, तो देखिए बस वहीं तक है जहां तक ऑप्शन है, जब हम ऑप्शन बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो एक उसका ब्लॉक एक इसका बैकग्राउंड कलर, दोनों का बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ हमने ये ऑफ कर दिया है इसलिए ऐसे आ रहा है। ये एक चीज करके देखा कीजिए आप लोग ऑप्शन को, जो यूज किया करिए तो पता चलेगा। हम अभी यही कलर ले रहे हैं, बाद में चेंज कर लिएगा, पर्पल थोड़ा सा उसके उसपे नहीं हो रहा है, या पिंक उंक कर देते हैं अभी, बहरहाल हम यही कलर दे रहे हैं, बाद में आप डेकोरेट कर लिएगा और बेटर बनाने के लिए। तो अगला स्टेप, छोटे छोटे प्रोग्राम है जैसे मैंने स्टार्ट किया था, अभी तक आप यहाँ पे इस तरह से जा रहे थे डाउन में, अब आपका इस तरह से आ रहा मेन। अब इसको सेव एज फिर करिए, अगला प्रोग्राम मेनू नंबर 9 कर लीजिए, इसको इसी स्टेप वाई करिएगा तो एक एक चीज क्लियर होगी, एक एक चीज को समझिएगा। फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट तरफ फ्लोटिंग हो रही है, फ्लोट लेफ्ट को हटा के देखिएगा क्या होता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट 9 में, लिस्ट स्टाइल नन रहने दीजिए, मार्जिन 0 रहने दीजिए, पैडिंग वही रहेगी, ओवरफ्लो हिडन रहेगा, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लीजिए आप, तो अलग हो जाए। उसके बाद वो हो गया, एल आई फ्लोट लेफ्ट रहने दीजिएगा, फिर एल आई ए में डिस्प्ले ब्लॉक रहने दीजिएगा, इसमें हम कलर चेंज कर लिए, कलर हाइट, टेक्स्ट अलाइन भी एक कर लीजिए ताकि इसकी मेनू का टेक्स्ट अलाइन भी आ जाए, जो हम लोग अलाइन पीछे कर चुके हैं, तो आप लोग भी कोई नई चीज नहीं है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नेक्स्ट पैडिंग, अब इसकी पैडिंग दो आपस में और फिर आपस में उन दोनों के सबके बीच की होगी, तो दो बार ये देखें पैडिंग का, 8px और 16px दोनों अलग अलग हो जाएगा। और अगली एक है टेक्स्ट डेकोरेशन, ये भी कर लीजिए, हालांकि ये अभी चाहे तो मत दीजिएगा, मैं दे देता हूँ नन करके, चाहे तो फिर हम चेंज कर भी लेंगे, नन दे रहे हैं ऑफ कर देने बाद, ये बैकग्राउंड कलर को आप कमेंट दे के ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए लिस्ट का ओवर वाला, ये हो गया ना, एल आई हो गया, एल आई ए हो गया, अब अगला है लिस्ट ओवर, एल आई ए ओवर, ओवरिंग में क्या अभी करना है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया,
1 1 1 स्टाइल को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, स्टाइल क्लोज हो गई आप और बाकी का कंटेंट जो है सेम वही रहने दीजिए, नीचे मैटर वही रहेगा। बॉडी वाला सेव करिए, फाइल के अंदर न्यू नंबर 9 ये हुआ मेन्यू नंबर 9। अब देखिए बोरिंग ही हो रही है, मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा कलर का, वो कर देते हैं तो और वो होगा। डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा कलर, बैकग्राउंड कलर ठीक है, ये देखिए पिंक हो गया और पिंक के ऊपर जब लेके जा रहे हैं व्हाइट आ रहा है। आप पिंक किया है ये हो रहा है, मैं इसका वीडियो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं, तो अब ये ओवरिंग होने लगी इसके अंदर। और ये मैं बता चुका हूँ, ये जो ब्लॉक आपका वहां तक आ रहा है, कहाँ पे आप करेंगे, कितना चाहिए आपको, पूरे में चाहिए तो पूरा, चूंकि हेडिंग कम है अभी तो इस तरह से जब और ज्यादा हेडिंग रख लेंगे तो पूरा यहाँ तक भर जाएगा मेन्यू। तो आपने ऑनलाइन साइट पे देखा होगा बहुत सारे मेन्यू होते हैं। ठीक है शिवांगी, आवाज आ रही है? हाँ सर, प्रॉपर है। ठीक ठीक, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इसके अंदर पोरिंग का। तो आप एक एक जब ये करिए ना, तो एक एक चीज चेंज करके देखिए भी, जैसे किसी चीज को हाइड करिए। हाँ सर, से जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग जो लैपटॉप टॉप पे कर रहे हैं वो लोग इसको जरूर से देखिए ये सारी चीजों को। ये हो गया आपका अगला फॉरिंग के साथ। अब इसको सेव एज कीजिए, मेनू नंबर 10। टेन में आप ऊपर वही सब चीजें रहेंगी, लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, वर्कफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद एल आई फ्लोट लेफ्ट है, ये भी वही है। फिर एल आई एम डिस्प्ले ब्लॉक, हम कुछ कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, व्हाइट करते हैं, बाकी नीचे कुछ और दे देंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 14-16 ये रहने दिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बैकग्राउंड यहाँ से हटा दे रहे हैं, चाहे तो हटा लगा देना करके देखिए। उसके बाद एल आई होवर, अब यहाँ पे नॉट एक्टिव का हो गया और एक्टिव के लिए अलग, दोनों क्लास अलग, जैसे वो कर रहे थे एल आई ए होवर, होवर के ठीक बाद नॉट, ठीक बाद पैरेंथेसिस डॉट एक्टिव, जो पीछे कर चुके हैं आप लोग, पैरेंथेसिस क्लोज, बैकग्राउंड कलर दे दिया ये इधर रहने देते हैं, तो ये क्लोज हो गया। अब क्लास भी डिफाइन कर लें डॉट एक्टिव, उसका बैकग्राउंड कलर अलग हो गया और वो कलर हम दे देते हैं, कुछ भी यहाँ तो टाइप करो नंबर और वो दो तो कोई ना कोई कलर ले लेगा, 16 कर दो। ठीक
ठीक है, एक्टिव का ये क्लोज हो गया, स्टाइल क्लोज हो गई, बॉडी और यूएल आप इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे पहले क्लास के अंदर राइज के बाद ऊपर क्लास डिफाइन किया है, तो ए के अंदर एच आर ई एफ से पहले क्लास भी लिख लीजिए, क्लास इक्वल टू एक्टिव। ठीक है, एंकर के अंदर क्लास इक्वल टू एक्टिव, फिर एच आर ये फॉर्म और इसके अंदर फॉर्म वो करके दीजिए, और बाकी फिर उसके बाद स्टाइल को क्लोज करिए, यूएल एल आई पहला होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसको सेव करिए, मेनू नंबर 10। दस मिनट और है ये सेशन यहीं पे, बस आज इतना रहने देंगे। अब देखिए पूरा ये एक जैसा ये हो गया, अब यहाँ पे ये देखिए आ रहा है। नॉट एक्टिव जिसके ऊपर, चेंज कर ले रहे हैं कलर का, कलर कुछ बदलते हैं, रेड करते हैं। ठीक है, ये रेड हो रहा है, ये जो एक्टिव है जो ये पहला उस पे नहीं हो रहा है क्योंकि बाद वाले पे ये होगा। क्योंकि तो उसके लिए हमने अलग वो किया हुआ है। ठीक है, तो जब कलर चेंज करेंगे यहाँ पे तो उसको करके देख लीजिएगा, नॉट एक्टिव वो रेड हो रहा है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसका जो पहले वो दिया हुआ है ब्लू है, इसको मान लीजिए यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं। अब ये देखिए ग्रीन हो गया और बाकी का ये हो गया। तो एक एक चीजों को, एक एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को अपने हिसाब से उसको रीचेक कीजिए कि ये हम दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसको अगर चेंज कर रहे हैं तो कहाँ चेंज हो रहा है। तो आप देखिए जो एक्टिव है वो सबसे पहला वाला, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, और रेस्ट ऑफ का नॉट एक्टिव जब वहां पे लेके जा रहे हैं तो उसका कलर फिर चेंज हो रहा है रेड में, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है। बाकी यहाँ पे जो कलर था बैकग्राउंड का, वो डिस्प्ले कलर आपने इसका वाइट दिया हुआ है, हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है इसलिए वो नहीं आ रहा, बट डिस्प्ले आ रहा है, ब्लॉक बन के आ रहा है क्योंकि ब्लॉक रहेगा। अभी अगर यहाँ पे ये हम कर दें, इस बैकग्राउंड को ऑन कर दें, फिर देखिए क्या हो रहा है। पूरा सिर्फ इसका आ रहा है पिंक, बाकी का नहीं, बाकी का वही ब्लॉक आ रहा है जो ब्लॉक बना हुआ है। ब्लॉक का मतलब उस पूरे कंटेंट का ब्लॉक, पूरी लाइन का ब्लॉक। जैसे आप जब वर्टिकल में कर रहे थे तो जितने में याद आ रहा है, जितने में मीनू आ रहे थे उतने का ब्लॉक ऐसे बन रहा था। यहाँ पे ब्लॉक पूरे उसका बनेगा क्योंकि लाइन पूरी ले रहा है। यहाँ पे लाइन नहीं होती थी, यहाँ तो कॉलम होता था ब्लॉक, बट ये पूरी लाइन है, वो ब्लॉक का मतलब ही पूरी लाइन। आपका मेन्यू जब आगे और ऑप्शन देंगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये इतना सबको? यस सर। नुसरत आप बताओ पहले।
सर आया। नुसरत आपका कुछ पता होता नहीं चल रहा, आप कितना कर रही हो, क्या हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, कुछ एकदम से गायब हुआ आप। सर आता है, जो आता है तो वो अलग कर लेते हैं सर। अच्छा, आपने आपने ट्विटर पे जिस दिन क्लास पढ़ाया था थी उस दिन यस सर। आपने ट्विटर अकाउंट बनाया? यस सर। आपने पोल में पार्टिसिपेट किया? अमन ने अभी एक पोल किया था। नहीं तब सर, पोल पता आप नहीं। ग्रुप में आप एक्टिव नहीं हो, ग्रुप की ग्रुप में बहुत सारे लोग एकदम क्यों एकदम मतलब वो हो गए हैं, एकदम साइलेंट मोड में हैं, एकदम इनएक्टिव हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, कुछ सदमे उदमे में है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आप लोग? एटलीस्ट किस कोई कुछ मैसेज करता है, इन्फॉर्म करता है, कुछ देता है तो यस नो, हाँ नहीं, स्माइली, गुड बैड, कुछ तो इतने सारी इमोटिकॉन्स होते हैं, वहीं से रिस्पॉन्ड कर दिया करिए ना। आप लोग छोड़े से लोग हैं और उसमें इनएक्टिव क्यों है, एक्टिव रहिए सब लोग। नहीं सर, करते हैं। नहीं सब नहीं करते। अमन ने पोल करा था, वो भी किया था हम लोगों ने। अमन ने पोल किया, दो या तीन लोगों ने, हम लोग नहीं, अंशिका सिर्फ, तुम, अंशिका, महविश और शफक, बस तीन लोग। आप लोग कम से कम कुछ नहीं, अगर क्या होता है ना रिस्पॉन्ड लिखने के ना कंटेंट नहीं है तो यस ओके डन पोल कर दिया, ओके डन गुड, थंब का इम्प्रेशन है, स्माइली का इमोटिकॉन है, खराब लगे आपको लगता है पोल अच्छा नहीं है, कुछ कमी है तो ये भी लिखो, एटलीस्ट मैसेज कुछ भी हो ना तो उसका रिस्पॉन्ड कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता रिस्पॉन्ड तो थंब इम्प्रेशन का निशान बना दिए, वही आदमी को एनकरेज करने के लिए हो जाता है। थोड़े से तो लोग हैं ग्रुप में और ऐसे अगर वो रहेंगे, या आपकी एडमिन ठीक नहीं है, एडमिन बदल जी जाए। हैं हाँ सर, वही मैं पूछी हूँ इन लोगों से कि अगर कोई दिक्कत है मुझसे तो एडमिन ही चेंज कर दीजिए फिर। हाँ अमन तो ऐसा नहीं, नहीं सर, एडमिन ठीक है, एडमिन तो बहुत रिस्पांसिबल। हाँ अच्छा, अब एडमिन को थोड़ा सा हर्ट होता होगा ना कि हम इतना करते, अगर तो एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है, और देख लेते हैं सब लोग, ओके डन कुछ लिख दिए, हाँ ठीक है ओके, उतने से बड़ा दूसरे तरह का इम्प्रेशन होता है ना। अब जैसे इसने पोल किया उस दिन, ये क्लास में नहीं थी ट्विटर वाले, तो इसने कहा कि नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा महविश को बहुत अच्छा था, महविश से पूछ लेना, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे, तो उसको समझ में आ गया। अभी तो मैंने ग्रुप में इसने नंबर भी मैंने कहा था शेयर कर दो, वन टू वन भी कोई कम्युनिकेट करना हो तो कर ले, पूछ ले, कोशिश ये रहती है कि आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी लग नहीं रहा जो हालात हैं कि क्लास या लैब में सिवाय एग्जाम के अलावा कोई स्टूडेंट को आने की परमिशन मिलेगी। अभी देखिए तीन दिन से कॉलेज खुला है तो आके पूरा इतना गंदा था, दो दिन से साफ कराया, अभी वन राउंड पूरा एकदम जाला, कबूतर और छिपकली और क्या क्या लिजर्ड सबका पूरा, उसके बाद लाइट की प्रॉब्लम थी तो उधर एसी चल रही थी और इधर लाइट नहीं आ रही थी, बेचारे इलेक्ट्रीशियन आया ऊपर छत पे चढ़ के गया, कहीं कुछ फॉल्ट पकड़ में नहीं आई। आज फिर सुबह उसको कॉल किया, फिर मैं आया, अब जब खुल गया तो यहाँ धीरे धीरे सेट करा, लैपटॉप ऑन किया तो अपडेट तब से कर रहा था, फिर व्हाट्सअप अपडेट करने लगा, व्हाट्सअप से नहीं हो पा रहा था तो मैसेज फिर मैंने जो लिंक नया क्रिएट किया, क्योंकि वहाँ एडमिन पे अकेडमी से वो होस्ट को ब्लॉक किया हुआ है मैंने, तो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाता, फिर मैंने अमन को बोला कि नया वो करके भेजेंगे, उसके बाद अब वो व्हाट्सअप इसका अपडेट कर रहा है, लैपटॉप का नहीं चल रहा था, तो मैंने वो कोड जनरेट किया लैपटॉप से, फिर अपने मेल पे भेजा, फिर मोबाइल से मेल के अंदर मैंने वो कोड खोला, फिर मैंने व्हाट्सअप किया कि कुछ तो पढ़ा लूं, आज इतने दिन से आप लोग वेट कर रहे हो तो कुछ तो थोड़ा सा पढ़ा लूं, समझ गए। तो एफर्ट सब लोग पीछे आगे पीछे करते हैं, सबके एफर्ट को समझने की कोशिश क्या करिए, सब लोग जो है उसके पीछे क्या होता है ना, हम लोग आज के जमाने में, हम लोग इंक्लूडिंग मैं खुद को अपने को कहूँ कि आप कोई चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियस है, नेचुरल है, सामने वाले को अच्छा फील नहीं होगा, हर्ट होगा है? और यही वजह है पता है, मैं व्हाट्सअप, मेरा जो कॉलिंग नंबर है मैं व्हाट्सअप नहीं यूज़ करता हूँ, वो नंबर इतना बटा हुआ है, इतने लोगों के पास है, अब मुझे एक वक्त में व्हाट्सअप था, इतने मैसेज आते थे, टाइम नहीं मेरे पास, मैं देख पाऊँ, रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, तो सामने वाले को लगता था मैं एरोगेंट हूँ, जवाब नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैंने बंद कर दिया उस पर। अब ये जो नंबर है ये बहुत घर का नंबर है, मैं फादर का नंबर है, और थोड़े से व्हाट्सएप, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे मेरे डिपार्टमेंट में किसी के पास ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है,
और मैं चाहूंगा आप लोग किसी को शेयर भी नहीं करना आपस में, अपने फ्रेंड्स के अलावा, मतलब अपने बैचमेट के अलावा। तो कॉलेज में ये नंबर व्हाट्सएप पे मेरे दो लोगों के पास है सिर्फ, बस मेरे घर के कुछ वो लोग हैं, सिस्टर हैं, भाई हैं, बस ये लोग हैं इसमें, मुश्किल से 8-10 लोग हैं। तो इसीलिए मैंने ग्रुप बनवाया कि अलग अलग दो एडमिन और वो, फिर बाद में देखा अब लॉकडाउन वॉकडाउन दिक्कत हो रही है, मैंने कहा शेयर कर दो। अमन ने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया, क्योंकि दिक्कत है 1-to-1, और बेचारे उसको कितना परेशान करें कि उसको भेजें, फिर वो वाया, फिर वो उसको करे, फिर वो जवाब दे, तो दिन भर यही करती रह जाएगी वो। तो मैंने कहा कि शेयर कर लो, 1-to-1 भी कर ले, ठीक है। आप लोग सब लोग पहले कॉल कर लेती हूँ कि एक बार कॉल करके चेक कर लो, फिर सेंड करूँ। हाँ नहीं नहीं यार, नहीं आप लोग अभी फ्री है, आप लोग वो कर सकते हो, कोई नहीं। आज अंशिका तुमने कॉल किया था ना कि सर क्लास का, तुमने किया था ना? यस सर। हाँ पहले मैं कोई अननोन नंबर उठाता नहीं था, कुछ लोगों का नंबर मैंने धीरे धीरे सेव किया है। अब वो अंशिका एक पुरानी एक स्टूडेंट थी, वो कर रही है वहां पे, तो मुझे लगा वो तो अंशिका बर्नवाल पूरा चेंज किया। शफक समझ में आया आपको?